देखिए, सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार। मेरा नाम विजेंद्र सिंह रेड्डू है और MSME डिपार्टमेंट डिप्टी डायरेक्टर। तो आज किस तरह का सेमिनार का आयोजन किया गया, तो सर की जानकारी दी। आज का जो मेन प्रोग्राम था ना, मानक मंथन। मानक मंथन मतलब इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी थी, और जो ये प्रोग्राम किया गया था BIS स्टैंडर्ड की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसके जो हमारे फोर्टिफाइड राइस कर्नल है, एफ आर के और फोर्टिफाइड राइस, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे एक साल पहले अनाउंस किया था कि फोर्टिफाइड राइस मैंडेटरी होगा। मतलब इसमें एक कितना न्यूट्रिशन होना चाहिए, कितना पोषक होना चाहिए, कितना इसके अंदर मतलब क्या क्या पैरामीटर है, इसके क्या क्या इसकी इंस्ट्रूमेंट है, कौन कौन से क्या चाहिए। और जब आई स्टैंडर्ड, जो क्योंकि हर चीज़ स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है, तो उसमें ये मैंडेटरी है कि कौन सा स्टैंडर्ड। IS 17780 और 17782 दो स्टैंडर्ड है ये। इसके बारे में इनको जानकारी दी गई भाई, ये कैसे इंप्लीमेंट करना है आपने, कैसे इसमें कितना क्या मिलाना है, तो इसके बारे में ये जानकारी दी गई। आज का मेन उद्देश्य था, और हमारे MSME डिपार्टमेंट की तरफ से जो इंसेंटिव स्कीमें हैं उसके बारे में बताया गया है, कौन कौन सी स्कीमें हैं। सारे एसोसिएशन वाले हमारे यहाँ बैठे हैं जितने भी हैं, तो मेन आज का ये। मेरा नाम निखिल चंद्रात्र है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में हरियाणा शाखा कार्यालय BIS भारतीय मानक ब्यूरो चंडीगढ़ में कार्यरत हूँ। तो आज जानकारी दी गई है, बिल्कुल। तो आज जो ये प्रोग्राम है, मानक मंथन हमने जिसको टाइटल दिया है, वो प्रोग्राम आज यहाँ पे संपन्न हुआ। इस प्रोग्राम में स्टेक होल्डर जो ज़्यादा हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, वो थे मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फोर्टिफाइड राइस और फोर्टिफाइड राइस कर्नल, जो हम जानते हैं करनाल कैथल बेल्ट में कई ज़्यादा राइस मिलर्स है, और फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, जैसे हम पता है बहुत केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके ऊपर जोर दे रही है। तो कौन से BIS के स्टैंडर्ड्स है, कौन से इंडियन स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हैं रिसेंटली, उसके बारे में जानकारी दी गई। तो IS 17780 और IS 17782, ये जो दो रिसेंटली पब्लिश स्टैंडर्ड्स है, 2021 में इनका पब्लिकेशन हुआ, इनके प्रोविजंस के बारे में जो मैन्युफैक्चरर्स को है अवगत किया गया। इसमें ना सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स बट बहुत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अफसर, बैंक से भी हमारे पास चीफ गेस्ट आए हुए हैं, लैबोरेटरीज से हमारे पास ऑनलाइन जुड़े थे। तो सारे प्रकार के स्टेक होल्डर्स को हमने यहाँ पे एकत्रित करने का प्रयास किया। इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स थे बिल्कुल फुलफिल हुए, लोगों को अवगत किया गया कि कौन से टेस्ट इक्विपमेंट की ज़रूरत है अगर आपको इसमें ISI सर्टिफिकेशन लेना है, कौन कौन से टेस्ट कैसे कैसे परफॉर्म करने हैं, इसके बारे में लोगों का अवगत किया गया। इसके अलावा जो हमारा SIT एक डॉक्यूमेंट है, स्कीम ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, की कौन से टेस्ट किस फ्रीक्वेंसी से करनी चाहिए, इस सारे के बारे में डिटेल एक जानकारी मैन्युफैक्चरर्स को दी गई। मैन्युफैक्चरर्स ने बहुत अच्छा इसमें फीडबैक दिया है वो, और हमें चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स और ज़्यादा मात्रा में किए जाए। स्कीम्स वगैरह के बारे में उनको जानकारी दी गई, स्कीम्स के बारे में बिल्कुल, जो MSME की स्कीम्स है फॉर द माइक्रो सेक्टर या स्मॉल स्केल सेक्टर, उनके बारे में तो जानकारी दी गई है। हमारी BIS की खुद की भी MSME सेक्टर के लिए काफ़ी सारी हम फी रिबेट देते हैं, तो जो भी एप्लीकेबल फी रिबेट है उसके बारे में हमने माइक्रो स्केल को जो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर से उनका अवगत करवाया। मेरा नाम सचिन मित्तल और धान राइस मिल एसोसिएशन कैथल। आज का जो ये मीटिंग का एजेंडा था, ये हमें विजेंद्र जी की तरफ से, निखिल जी की तरफ से कुछ फोर्टिफाइड राइस वगैरह के बारे में बताने के लिए था। वह जो MSME के लिए जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली हैं उनको विस्तार में बताने के लिए आज की मीटिंग रखी गई थी। तो विजेंद्र जी से अभी डिस्कस हुआ है इसी बारे में। तो MSME की जैसे लैब लगाने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाल ली है, 50 लाख तक का कोई स्मॉल यूनिट लगाना हो उसके लिए स्कीम निकाली गई है, तो उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। और हमारे सभी राइस मिलर्स ने इन स्कीमों का बेनिफिट उठाने के लिए अभी विजेंद्र जी को बोला है, और जल्द ही अगली मीटिंग फिर दोबारा स्मॉल स्केल पर, जैसे हम ब्लॉक वाइज कैथल की, ढांड की, चीका की, अलग अलग मीटिंग्स डिस्कशन हुई है हमारी कि भाई निकालेंगे, और उसमें और अच्छे से विस्तार से जो बाकी और स्कीमें हैं उनके बारे में बताएंगे और हम उनका लाभ उठाएंगे। तो कितना मानते हैं कि जो बेनिफिशियरी है और इस तरह की प्रोग्रामों से उनको बेनिफिट जो है वो मिलते हैं, कितना लाभ जो है वो मिलता है? अगर ये ऐसे प्रोग्राम हमारे समय समय पर हर महीने होते रहें, तो हम राइस मिलर्स MSME स्कीम के अंडर जो आते हैं इन स्कीमों का बेनिफिट उठा सकते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से तकरीबन 1-1 करोड़ रुपये, 2-2 करोड़ रुपये तक की बेनिफिशियल स्कीमें हैं, अगर हम उसका लाभ उठाना चाहें तो उठा सकते हैं।